हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सिंह, वेलकम टू माय चैनल कमिट टू बी फिट। आज के वीडियो में हम करेंगे सम बेली वर्कआउट जो कि हेल्प करेगा टू मेंटेन योर बेली फैट एंड योर कोर स्ट्रेंथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने मैट पर लेट जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दी 100। मेक श्योर आपका कोर एंगेज रहे एंड आपका स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहे। आप अपने लेग्स को टेबल टॉप पोजीशन में रखिए, इट शुड बी 90 डिग्री एंगल। एंड आप अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए एंड देन स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सहेल। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सहेल। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्ट्रेच। इन दिस एक्सरसाइज आपको अपने पैरों को टेबल टॉप पोजीशन में रखना है और सिंगल सिंगल लेग को स्ट्रेच करना है आपके चेस्ट की तरफ, लाइक दिस। पुल इन, आउट, इन, आउट, पुल इन, आउट, पुल इन, आउट। इस एक्सरसाइज को हम रिपीट करेंगे 10 टाइम्स और मेक श्योर आपका जो नेक है वो न्यूट्रल पोजीशन में हो, आप इसको जैम नहीं करेंगे। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। आप अपने कोर को भी इंगेज रखिए साथ में ही। मेक श्योर आपको इनहेल करना है नोज से एंड एक्सहेल करना है माउथ से। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है रोल अप। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेके जाना है स्ट्रेच करते हुए एंड देन विल कम अप। मेक श्योर आपका हैंड्स एंड आपके लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए एंड अगेन विल कम अप इन द प्रीवियस पोजिशन। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कम अप एंड अगेन विल डू द सेम एक्सरसाइज। रिपीट दिस एक्सरसाइज 10 टाइम्स। इस एक्सरसाइज को आपको प्रॉपर वे में धीरे धीरे करना है एंड देन कम अप। मेक श्योर आपका जो कोर है वो इंगेज रहे। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है क्रिस क्रॉस। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हैंड्स को अपने नेक के पीछे रखना है एंड आपके जो लेग्स है उनको टेबल टॉप पोजीशन में रखते हुए आपको ट्विस्ट करना है लेग्स को लेफ्ट एंड राइट। ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। मेक श्योर आपका कोर एंगेज रहे एंड आपको इनहेल करना है नोज से और एक्सहेल करना है माउथ से, लाइक दिस। Inhale, exhale, inhale, exhale. Repeat this exercise 10 times. हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है डबल लेग लिफ्ट। इस एक्सरसाइज में आपको आपके दोनों लेग को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। मेक श्योर आपका जो लेग्स है वो स्ट्रेट रहे एंड साथ में रहे, लाइक दिस। अप एंड डाउन, अप and down. Repeat this exercise 10 times. Make sure आपका spine straight रहे
मैट से टच रहे। हमारे सिक्स एक्सरसाइज है रोल ओवर्स। इस एक्सरसाइज में आपको अपने लेग्स को टुगेदर स्ट्रेट रखते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है एंड देन कम अप, लिफ्ट अप, 3, 2, 1 डाउन। कम अप, 3, 2, 1 डाउन। मेक श्योर आपका हैंड्स स्ट्रेट रहे एंड योर लेग्स शुड बी स्ट्रेट। 3, 2, 1 डाउन एंड देन कम अप, लिफ्ट अप, 3, 2, 1 डाउन। रिपीट दिस एक्सरसाइज 10 टाइम्स। ये पूरी एक्सरसाइज आपके कोर के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी को होल्ड रखना है अपने एल्बो पे, अपने फोरआर्म्स पे एंड अपने टो पे, लाइक दिस। इस पोजीशन में आपका हिप स्ट्रेट रखना है इस तरह से, ना ही वो अपवर्ड होना चाहिए ना ही डाउनवर्ड, सो इट शुड बी लाइक दिस। होल्ड दिस पोजिशन एट लीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। आप मैक्सिमम 1 मिनट एंड मोर देन 1 मिनट भी रख सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है आपकी कोर के स्ट्रेंथ के लिए, आपकी कोर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। And this is the best exercise for your stomach and your core. Thanks for watching this video. I hope this video is helpful. Do this exercise on regular basis. You will definitely lose your belly fat and increase your core strength. Till then, take care and bye-bye.